हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो जो ये स्टार्टअप इंडिया है, इसकी अगर टैगलाइन की बात करें तो वो है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। इस योजना को इस माइंडसेट के साथ इंडिया में लॉन्च किया गया था कि इंडिया में हमें लाना है एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, सो दैट इससे क्या होगा कि इंडिया में एक इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो चलिए जानते हैं अपनी आज की इस योजना के बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये कब और कहाँ लॉन्च की गई थी। वेल, इट वॉज लॉन्च ऑन 16th January 2016 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। अब इस स्कीम का एम क्या है वो भी जान लेते हैं। द एम इज टू ब्रिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया। यानी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया में एक ऐसा कल्चर आए जहां पे कि लोग क्या करें, इनोवेशन के बारे में सोचें, यानी कुछ नया करने के बारे में सोचें, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आए, यानी लोग अपना बिजनेस जो है, अपना काम जो है लाने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं इसे, तो ये है स्टार्टअप इंडिया का लोगो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके मेजर की पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें ₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 10,000 करोड़ रुपए का एक इसके लिए पूरा फंड जो है तैयार किया है। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि देयर इज रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी पेटेंट फीस देनी पड़ती है। तो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपकी जो फीस होगी काफी रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही साथ देयर विल बी फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। यानी जो भी कैपिटल गेन टैक्स है, अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट बनता है ना, हमें टैक्स देना पड़ता है। तो पहले 3 साल के लिए हमें उसमें फ्रीडम मिल जाएगी। साथ ही साथ पहले 3 साल के लिए हमारे ऊपर जो भी टैक्स बनेगा हमें वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी एंटिटीज है जिन्हें स्टार्टअप की कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले तो आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। फिर आती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और तीसरी आती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। अब ये वो फर्म्स हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड हैं। साथ ही साथ इन एंटिटीज में और क्या चीज होनी चाहिए स्टार्टअप की कैटेगरी में आने के लिए। पहला, जो इनका टर्नओवर है वो 25 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। दूसरा, इनका एक एम होना चाहिए टू वर्क टूवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में ये फर्म्स डील करेंगी उसमें ये कुछ नयापन लेके आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और उसमें कुछ सुधार करने की इनमें एक इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या चीजें होनी चाहिए। पहला, ये भी जान लीजिए कि इन स्टार्टअप्स के लिए जरूरी है कि इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया हो बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। साथ ही साथ जो कंपनी है शुड बी फंडेड बाय एंजल इन्वेस्टर, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर और बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म। अब ये जो फंड्स के बारे में हमने बात की है, तो पहले टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एंजल फंड। ये वो होते हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एट इन्फेंसी रेट। कोई बहुत हाई नेटवर्थ वाला जो इंसान है वो आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल शुरुआती स्टेज में आपके बिजनेस के। फिर आते हैं अर्ली स्टेज फंड इन्वेस्टर्स। ये होते हैं वो फंड्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक बढ़िया एग्जाम्पल होती है जैसे कि बैंक्स। When the product is ready, यानी जब आपका product ready हो चुका होता है, ये fund तब provide किया जाता है। और इसमें important चीज़ ये देखिए कि ये जो इस वक्त आपको fund मिलता है, it serves as a fuel for growth of your business, आपके business की growth के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरे आते हैं private equity fund। इसमें basically venture capitalist और private equity firms होती हैं। ये उस वक्त invest करती हैं जब आपकी जो firm है वो revenue यानी कुछ income earn करना शुरू कर देती है। अब हम जानेंगे रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी जो ये पूरी योजना है इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपना रोल कैसे प्ले करती हैं। पहला, बाय रिड्यूसिंग रेगुलेटरी बर्डन ऑन स्टार्टअप्स। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं जब कोई कंपनी या फर्म शुरू की जाती है। तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस, तो आपके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन जो है वो काफी कम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ लेबर, टैक्स, लैंड लॉस को इन स्टार्टअप्स के लिए काफी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। और क्या करती हैं, कुछ स्टेट्स तो ऐसी भी हैं, दोज ऑर्गेनाइज व्हाट बूट कैंप्स एंड पिचिंग सेशंस टू प्रमोट स्टार्टअप। यानी आपके लिए
जो आप एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कुछ बूट कैंप्स और पिचिंग सेशंस लाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है सभी एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे ग्लोबल लीडर्स या अच्छे कोई स्पीकर्स को बुलाया जाता है जो आपको गाइड करेंगे, साथ ही साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस और आइडियाज भी शेयर करते हैं, सो दैट उससे क्या हो, ओवरऑल ग्रोथ हो और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। With this we come to an end of our video. Thank you for watching. For more such videos, please like, share and subscribe Success Series.